तीन दिन की नई नवेली, दुल्हन को उतारा गया मौत के घाट। 22 साल मोहम्मद इजाज़ ने 18 साल राशिदा को उसकी माँ की आंखों के सामने कत्ल कर डाला। कत्ल की असल वजूहात क्या थी? मंगेतर का निकाह किसी और के साथ हो जाना या था जायदाद का लालच? ये सब को जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाज़रीन, 21 जुलाई का ये अफसोसनाक वाक्या है। मैं इस वक्त लुड्डन के गांव में मौजूद हूँ। ये पुलिस स्टेशन लुड्डन की हथपूत का गांव है और ये वही जगह है जहाँ से राशिदा बीबी अपनी वालदा के साथ गुजर रही थी, जब उसको उस शख्स ने, जिसका नाम मोहम्मद इजाज़ है, उसने फायर का निशाना बनाया, गोलियां मारी और वो मौके पर उसकी डेथ हो गई। इस हवाले से आपको दिखाऊंगा भी सही गांव की सूरत हाल क्या है, क्योंकि कोई बात नहीं करना चाहता है। इस पूरे गांव में खौफ और रास की फ़िज़ा है। हमारी कोशिश यही थी कि इस हवाले से बात कर सकें, जान सकें कि असल वकूए की वजह क्या थी, क्योंकि इसमें दो चीज़ें, दो एस्पेक्ट सामने आ रहे हैं। एक ये आ रहा है कि इजाज़ जो कातिल है, जिसने ये बात कबूल भी की है कि उसने कत्ल किया, उसने मर्डर किया, उसका कहना ये है कि राशिदा की शादी कर दी गई थी, निकाह कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो उसकी मंगेतर थी और उसका निकाह कहीं और कर दिया गया था, जिस वजह से उसने ये मर्डर किया है। इस वकूए से सिर्फ 3 दिन पहले राशिदा का निकाह हुआ था। हाफिज़ आलिया हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर। इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से, इस गांव की, इस बस्ती की सूरत हाल क्या है? कोशिश हमारी थी कि यहाँ पर बात कर सकें, लेकिन यहाँ तो काफ़ी खौफ और रास है। यही सूरत हाल है कि चूँकि जब राशिदा कत्ल हुई तो उससे 3 दिन पहले उसका निकाह हुआ है अब्दुल गफ्फार के साथ, लेकिन जो उसका पहला मंगेतर था एजाज, जिसने उसको कत्ल किया है, वो और उसकी फैमिली यही चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से इस बच्ची को जो है वो अपने अंडर किया जाए, चूँकि असल मसला जो है वो जायदाद का है, क्योंकि उसका वालिद फौत हो गया था, ये वालदा की अकेली ही अकलौती औलाद है, इसके नाम 4 एकड़ ज़मीन आती है और वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब जो है वो ज़मीन है, चूँकि बिल्कुल ऑन द रोड है, इस वजह से उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग चाह रहे थे किसी न किसी तरीके से, चाहे निकाह के साथ चाहे जैसे भी है, उस ज़मीन को, उस जायदाद को जो है वो हथियाया जाए। जब उन्हें नज़र आया कि अब इसका निकाह तो किसी और के साथ हो रहा है, तो उन्होंने कोशिश की है कि इसको पहले अपने अंदर लाया जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब निकाह हो चुका है, तो 3 दिन के बाद उस राशिदा बीवी को, जो छोटी सी उसकी उम्र है, वालदा अपनी वालदा के साथ अपने घर आ रही है, तो रास्ते में जो है बीचों बीच उसको फायर मारकर उसको कत्ल किया। नाज़रीन, थाना लुड्डन में मौजूद है इजाज़, इसका नाम है और इसकी उम्र है तकरीबन 22-23 साल। इसकी मंगेतर थी या जो इसके रिश्ते की बात चल रही थी, उसी खातून को इसने राह चलते हुए मर्डर किया। क्या प्लानिंग थी, क्यों ये कत्ल किया इसने, इसको आखिर किस चीज़ ने सताया कि ये उस तक पहुंचा है वहाँ पर, और पूरी प्लानिंग थी इसकी, 2-3 लोग इसके शामिल भी थे, इसके साथ इन्होंने मिल के उसे मर्डर किया है। क्या करते हो तुम? डंगरों की करता हूँ सर। मारा कैसे है तुमने? सर पिस्टल था उस, वो मार। पिस्टल कहाँ से आया था तुम्हारे पास? इधर से सर जी, लिया था। किधर से लिया था? दौलतबाद से। पहले प्लान किया था पूरा मारना है उसे? पहले सर जी उसको समझाया था। अच्छा, लड़की को समझाया था तुमने? क्या समझाया था कि निकाह यहाँ ना कर मेरे साथ, अगर निकाह ना किया मैं मार दूंगा? नहीं सर जी। फिर उसे समझाया था कि ये आप काम अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा, हाँ जी। फिर समझ गई थी वो? नहीं सर। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि ठीक है, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। फिर निकाह हो गया उसका? निकाह हो गया ना उसका। कितने दिन पहले हुआ था निकाह? दिन रखे थे सर जी, तीन दिन पहले। 3 दिन पहले निकाह हो गया था उसका? हाँ जी। वो कौन है जिसके साथ हुआ था? मेरे अबू का पितरेर का मुंडा। अच्छा, वो भी रिश्तेदार है जिसके साथ उसका निकाह हो गया था। 3-4 दिन पहले निकाह हुआ था, 3 दिन के बाद इसने उसे मर्डर कर दिया। और वजूहात यही थी कि क्यों निकाह किया है, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या मेरे साथ तुम्हारा निकाह
या मेरे साथ तुम्हारी बात पक्की हुई थी, उसके बावजूद तुमने किसी और के साथ निकाह क्यों किया? अगर वो नहीं चाहती थी, उसने नहीं किया तुम्हारे साथ निकाह? यह सर जी निकाह वाली बात नहीं थी, और फिर क्या बात थी? और उसे मैंने समझाया था कि आप जो है ना काम मतलब कि अच्छे नहीं कर रहे हो। अच्छा, तो तुम्हें किस चीज़ की गैरत आ गई अगर अच्छे नहीं कर रही? निकाह तो उसने किसी और के साथ कर लिया था, फिर तुम्हारा तो मामला ही ख़त्म हो गया था। सर जी निकाह से पहले हमने जो है ना ये बात की थी। अच्छा, मारा तो तुमने निकाह के बाद है? हाँ जी। नाज़रीन, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट शेख तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, राशदा 18 साल राशदा जिसे मर्डर किया जाता है, और उसके अपने घर के सामने उसकी वालदा के साथ जब वो वापस आ रही थी अपने घर को, उस वक्त उसे ब्रूटली कत्ल कर दिया जाता है। दो दिन पहले 19 जुलाई को उसका निकाह होता है और 21 जुलाई को ये वारदात हो जाती है। क्या कहेंगे, यहाँ मोटिव क्या लगता है? एक सूरत हाल ये है कि जो मोहम्मद साजिद है वो ये दावा करता है कि मेरी वो मंगेतर थी जिसकी वजह से उसने ये इंतहाई कदम उठाया है। आपको क्या लगता है इस बारे में? मैंने FIR देखी है। इस मकतूला जो राशदा है उसका निकाह हुआ है अब्दुल गफ्फार के साथ 19 तारीख को निकाह हुआ है, और जो कंप्लेनेंट है खातून बीबी, उसकी और कोई औलाद नहीं है। इसमें दो मोटिव हो सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये हो सकता है कि ये चूँकि आपस में क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, कि खातून बीबी के पास उनकी विरासत में कोई ऐसी ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी हो जो कि ये लोग चाह रहे होंगे, आरिफ वगैरह जो साजिद और इसके एजाज वगैरह के जो भाई वगैरह हैं, वो ये चाहते होंगे कि ये प्रॉपर्टी विरासत हमारे घर में ही रह जाए, बाहर ना जाए। सही। ताकि उस लड़की की शादी, इन्होंने रिश्ता मांगा, क्योंकि FIR में उन्होंने कहा है कि हमने इससे, क्योंकि वो बच्ची अकेली है, बच्ची अकेली है और कोई वारिस भाई नहीं है, कोई वारिस नहीं, कोई वारिस नहीं, उसकी वालदा के नाम कोई जायदाद है, कोई जायदाद थी उसके वालिद या वालदा के नाम, ताकि वो जायदाद इनको मिल जाए, इसलिए भी ये मर्डर हो सकता है। नंबर दो, इसमें लड़का और लड़की का आपस में इश्क भी हो सकता है, उनकी आपस में मोहब्बत भी हो सकती है। हो सकता है कोई लड़की ने या आपस में इनका लड़का उसके साथ लड़का लड़की का अफेयर हो आपस में, या लड़का उसके साथ मोहब्बत करता हो। 19 तारीख को निकाह हुआ है और 21 तारीख को वो उसको मर्डर कर देते हैं, तो ये दोनों तरफ मोटिव जाता है। मेरे तफ्तीश के मुताबिक और जैसे मेरी सुपरिटेंडेंट तफ्तीश कर रहे हैं, इसमें एक तो जेलसी है कि ये राशदा को अपनी मंगेतर समझते हुए अब वो दूसरी जगह पे शादी कर रही थी तो ये इसको कबूल नहीं था, इस रंज की बिना पे। और दूसरा, राशदा के नाम पे 4 एकड़ ज़मीन थी जो यहाँ की तकरीबन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बनती है, जिस जगह पे ये ज़मीन है 1 करोड़ रुपए की बनती है, और वो बच्ची की अकेली यतीम थी, माँ का कोई बहन भाई कोई और नहीं है, कोई नहीं था, उसी अपने नाम थी, उसके नाम उसके नाम पे उसके नाम पे ज़मीन थी, और ये चाहते थे कि ये ज़मीन कहीं ना जाए, ये ज़मीन हमारे पास रहे। इस दो वजह से, एक तो ये मंगेतर की वजह कि मेरी मंगेतर, यानी कि मोहब्बत का चक्कर नहीं है, ये जो सिलसिला है कि जी मुझे मोहब्बत थी इस वजह से मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसका निकाह कहीं और कर दिया, इस वजह से नहीं था। असल वजह जो थी इसके पीछे वो जायदाद थी, जैसे आप फरमा रहे हैं। अगर इसके उस और लड़की के साथ मोहब्बत थी तो ये सकी इसकी कज़न थी, ये इसको बाप माँ के साथ जाके उस अपनी चाची के पास से रिश्ता लेना था तो मिल जाता, बिरादरी के और आदमी जाते, रिश्तेदार जाते, कैल करते, कैल करने वाली यहाँ बात कहीं साबित नहीं हुई। एक दफ़ा भी उसकी वालदा से एक दफ़ा भी रिश्ता नहीं मांगा गया। लेकिन अब जब उसने मंगनी थी की भी कोई ठोस अभी कोई ऐसी कोई मुंदरी पहनाना, कोई रस्म अदा करना, वो भी साबित नहीं हुआ।
17-18 साल राशिदा की उम्र है अभी उसे, और 3 दिन पहले उसका निकाह हुआ था अब्दुल गफ्फार के साथ। अब्दुल गफ्फार कौन है, उसकी फैमिली का है, उसके ख़ानदान का है या कोई बाहर का है? और मैं ये भी पूछना चाहूँगा, इजाज़ के साथ पहले कोई इसकी बकायदा मंगनी हुई थी, कोई इस तरह का मामला था या जो है कोई इस तरह की बात नहीं हुई थी लेकिन उसे उस वक्त याद आया जब उसका निकाह हो गया? ये जो इजाज़ है, चूँकि इसका फैमिली मेंबर है, करीबी इसका अजीज़ है, तो इनकी जैसे यहाँ गांव में हमारे यहाँ पंजाब के अंदर ये रीत है कि बचपन के अंदर जो है वो एक दूसरे के नाम कर दी जाती हैं कि आपकी मंगनी उसके साथ होगी। कोई बाकायदा कोई रस्म या कोई इस तरह की कोई तकरीब जो है वो सामने नहीं आई कि इजाज़ का और राशिदा का आपस में उनका मंगनी का कोई ऐसा सिलसिला हुआ हो। लेकिन चूँकि उनकी नज़र थी सिर्फ जायदाद पर, जायदाद हथियाना चाहते थे, तो इसलिए उनकी कोशिश रही है कि इसको किसी न किसी तरीके से जो है वो राशिदा को अपने कंट्रोल में लाया जाए। तो जब इसका निकाह अब्दुल गफ्फार के साथ हो गया 3 दिन कबल, तो 3 दिन के बाद इन्होंने फिर उसको कोशिश की है कि अपने करीब लाने की और उस जायदाद को हथियाने की, तो जब कुछ भी ना बन पाई तो उन्होंने अब देखा कि अब जायदाद तो जा रही है, तो इससे बेहतर यही कि इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। और इजाज़ ने ना सिर्फ खुद बल्कि उसके साथ 3 और लोग भी शामिल थे, और जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें ये भी साबित होता है कि उसका वालिद भी उसके साथ था, यानी कि पूरा का पूरा प्लान रचाया गया कि उसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन जो दूसरी सूरत हाल नज़र आती है वो ये आती है कि जी मोहब्बत थी मुझे और मेरी मंगेतर थी, मेरी मंगेतर किसी और के हाथ में क्यों चली जाए। हमें अक्सर गांव देहातों में ये जो अना वाला फैक्टर है ना, ये बड़ा नज़र आता है कि मेरी मंग किसी और की क्यों हो सकती है। इस हवाले से क्या कहेंगे, यहाँ के माहौल में ख़ास तौर पर लुड्डन के माहौल में ये चीज़ें नज़र आती हैं कि मेरी मंग किसी और की बीवी कैसे बन सकती है? बिल्कुल यही सूरत हाल है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे एजुकेशन रेट बहुत कम है, लोग जो है वो अनापरस्ती बहुत ज़्यादा इनके दरमियान में, चूँकि इनकी जायदादें इन्होंने यहाँ पे रकबे इजरी रकबे है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे काश करके जो है वो अपना गुजर बसर करते हैं। तो इस तरह की जो राशिदा की और इसके जो है एजाज़ की, तो इस तरह की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। लेकिन उमूमी तौर पर हमारे इन इलाक़ों के अंदर जो जनूबी पंजाब के ये इलाके हैं वहाँ पर यही सूरत हाल नज़र आती है कि अगर किसी के साथ बचपन में मंगनी हो गई या उसके साथ मंग उसकी तय कर दी गई, तो उनकी कोशिश होती है कि बड़े होकर भी उन्हीं का आपस में निकाह हो। लेकिन चूंकि यहाँ पे बात कुछ और भी नज़र आती है कि जायदाद का लालच भी था, सिर्फ निकाह नहीं था या उसके साथ शादी सिर्फ नहीं वो मोहब्बत का चक्कर या इस तरह का कि उसकी वो बात उसके लिए अना का हिस्सा बनी हो जिसकी वजह से उसने ये स्टेप उठाया। दूसरा जो अहम फैक्टर है वो ये है कि उस लड़की के नाम पर जायदाद थी कुछ 6-7 एकड़ की, और वो भी ऐसी जायदाद जो बड़ी ज़रखेज़ है और बड़ी कीमती है, वो जायदाद उसके नाम थी और उसका कोई भाई नहीं था, उसका वालिद की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, सिर्फ एक जो है उसकी वालदा थी जिनसे बात करने के लिए हम ये मेरे पीछे उसी खातून का घर है यहाँ पर आए, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये पूरा गाँव जो है इसमें खौफ और रास की फ़िज़ा है, इसकी सूरत हाल मैं आपको दिखाऊँगा। क्योंकि जो दूसरी पार्टी है, जो इजाज वाली पार्टी है, जो उनका घर है, वो भी इसके पीछे ही है, वो तमाम लोग भी यहाँ पर हर आने जाने वाले पर इस वक्त नज़र रखे हुए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, गांव की सूरत हाल हम देखते हैं, काफ़ी कशीदगी है यहाँ पर, और जैसे हम आए और जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ रवैया रखा है उससे भी पता लगता है कि ये कोई आदि मुजरिम हैं, क्रिमिनल हैं, कौन लोग हैं ये बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। चूँकि यहाँ पे अभी जैसे हम लोग आए हैं और वहाँ पे इनकी जो है सूरत हाल यही नज़र आई है कि चूँकि उनका रवैया और उनका जो जब राशिदा बीबी को कत्ल किया गया, तो उस वक्त चूँकि वो दिन का टाइम ही था, तो दिन के औकात के अंदर ही जब उसको मारा गया और सरेआम जो है वो रास्ते में चलते हुए उसे मारा गया, तो इससे बढ़कर उनकी दीदा दिलेरी और क्या हो सकती है कि वो कितने लोग जो है वो दीदा दलेर होंगे। और ये चूँकि ये पूरा प्लान बनाया गया था उसको मारने का, तो जब उसको कत्ल कर दिया गया उसके बाद जो है उसको फिर सरेआम जो है सरे रास्ते जो है उसको फेंक दिया गया। कैसे मारा था ये बताओ, हमें साड़ी निकाल कैसे था? साड़ी पिस्तौल था। कैसे मारा था, उसके पीछे गए थे, उसको देखा था, कैसे मारा है? पीछे से दादी। कहाँ जा रही थी वो? वो घर में आ रही थी। घर आ रही थी, कौन था उसके साथ? उसकी अम्मी थी। पूरी बात बताओ ना ये। उसकी अम्मी थी दादी। वो लोग आ रहे थे और तुम पहले इंतजार में खड़े हुए थे उस रास्ते में कि जैसे वो आए और मार दो तुम?
कितने लोग थे तुम? मैं सर जी इस मामले में अकेला ही था और मैंने भाई हमारा साथ। तो चार लोग हैं, तुम्हारे साथ और तीन लोग शामिल थे? नहीं सर जी, मैंने अपने भाई को मतलब के उसने चारा वाडा था ते हमें उसने हमें चवाया, बाद में हमने उसको दे दिया, वो चारा उठा कर ले आ रहा था। उसकी माँ भी उसको साथ थी, साथ दोनों जा रहे थे। हाँ जी। तुमने उसे कितने फायर मारे हैं? एक फायर मारा है, उसी वक्त मर गई थी वो। हाँ जी। और बाकी लोग तुम्हारे साथ थे वो भाग गए? हमारे साथ सर जी कोई भी नहीं था। तुम उसके बाद तुमने क्या किया? मैं सर जी भाग गया। फिर तुम कहाँ गए? सर जी इधर ही आ गया था। खुद ही थाने आ गए? तुमने बता दिया मैंने मार दिया, बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने। हाँ जी बता दिया था। सही काम किया तुमने, किसी को मार देना क्या ठीक है? कोई भी बात थी, कोई भी मसला था तो हर किसी को हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, ये तो नहीं कि तुम उठ के मार दो उसे। तुम क्या लगते थे उसके बाप तो नहीं लगते ना, उसके खावन लगते हो? सिर्फ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ था ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे मार दो। असला कहाँ से लिया था तुमने? इधर से सर जी, दौलतमबाद से। अच्छा, इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ आईओ मौजूद हैं ज़हीन, थोड़ा सा आप बताएंगे मामला क्या था और ज़मीन का क्या चक्कर था? अच्छा, ये जो केस है ये ऑनर किलिंग भी है और प्रॉपर्टी का इशू भी है इसमें। अच्छा। उस लड़की के नाम 5 एकड़ ज़मीन थी जिस पे इसकी नज़र थी, तो जब उसकी वालदा, उसकी जो लड़की का वालिद है वो आज से 20 साल पहले फोत हो चुका है, तो जो वालदा वो उसने खुद पाली लड़की, तो जारी बात है उसका हक बनता है वो जहाँ मर्जी उसकी शादी करवाए। तो इनकी नज़र थी उसकी ज़मीन पर इस वजह से, और जहाँ तक मेरी इन्वेस्टिगेशन है उसके करेक्टर में कोई इशू नहीं था। सही। तो इल्जाम लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है। बात सिर्फ वही थी कि उसने निकाह क्यों कर लिया इसके अलावा किसी और से। इसको वो प्रॉपर्टी जाती दिखी है कि 5 एकड़ जो है वो जा रहे हैं, उस वजह से इसने बड़ा ब्रूटली उसका मर्डर किया। इससे बड़ी बात क्या हुई कि उसकी वालदा की आंखों के सामने इसने उसको फायर किया गर्दन पे, एंट्री होल गर्दन पे और एग्जिट राइट आई से, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। कौन कौन शामिल था इसके साथ? इसमें अभी ये इन्वेस्टिगेशन का बड़ा अर्ली स्टेज है, अभी कंफर्म नहीं कर सकते, वैसे 3-4% इन्वॉल्व हैं। सही। तो इन्होंने बकायदा प्लान किया था कि ये रास्ते से जैसे गुजरेगी इसे मार दिया जाएगा? बिल्कुल, ये इनका प्लान था। ये उधर बैठे थे इर्द गिर्द फसलें, अभी आप मौके पर जाएंगे आप देखेंगे, वहाँ पर इनके 2 बंदे बैठे थे वेट कर रहे थे। वो लड़की जब वो सर पर तोड़ी उठा के जा रही थी, इनको मौका मुनासिब लगा, फिर ये पीछे गए हैं। वालदा की आंखों के सामने वो पीछे चीखती रही है कि इसको मारो मत, तुमने अगर इसे मारो मत कोई और सजा दे दो, लेकिन ये इस पे ना रुके और इन्होंने फिर उसको शूट कर दिया। और अब वो जो उसकी माँ है खातून बीबी लड़की की, उसकी कोई औलाद नहीं है, सिर्फ ये वाहिद औलाद थी जिसको इस शख्स ने ब्रूटली कत्ल कर दिया, इसने मार दिया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, उस माँ की भी कर दी। तो और ये जो है ये हमने जिस तरह इसको पकड़ा है ये टेक्निकली तरीके से जियो फेंसिंग करा के फिर इसको पकड़ा है। ये तो कह रहा है कि मैं खुद आ गया था, मैंने नहीं, नहीं, मार नहीं, दिया और मैं खुद चलकर आ गया कि नहीं नहीं, उसमें बड़ी टेक्निकली हमारी कोशिश शामिल है जिस तरह इसको हमने पकड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे पकड़ने में कामयाब हुए हैं। बाकी भी नेक्स्ट जो इसके बाकी साथी हैं वो भी हम उनकी बेल जो है वो खारिज करा के, तो इनको हम पर्सनली इंटरेस्ट से जो कातिल हैं उनको एक ही मारा गया था उस लड़की फायर को। डॉक्टर के जो पोस्टमार्टम में तो अभी एक ही फायर है, एक ही इसको। असला ले लिया कब्जे में आप? जी हमने असला इससे क्या था? पिस्टल है, एक पिस्टल था, उसके अलावा भी कोई और चीज थी इनके साथ? पिस्टल 30 बोर था इसके पास। 4 अपराध नामजद है, एक नाम मालूम है। अब इस वक्त जो जेर हिरासत है वो मोहम्मद साजिद है सिर्फ, बाकी अभी जो है फरार है। और मोहम्मद साजिद ये बयान करता है कि सब कुछ मैंने किया, कंट्रडिक्ट करती है उस स्टेटमेंट से जो कि FIR इस बारे में क्या देखें, FIR के मुताबिक साजिद ने सिर्फ उसको पकड़ा है और साजिद को FIR में मुसल्ला छोटा दिखाया गया है, और लड़की को जो मर्डर किया गया है अकॉर्डिंग टू FIR इजाज के फायर से, इजाज ने फायर किया जो उसकी गर्दन से होकर आँख से निकल गया। एक ही फायर है, सिंगल फायर है जो कि एक ही एक्यूज ने किया है। तो FIR की कहानी में अगर साजिद की बात को मान लिया जाए तो FIR और इन्वेस्टिगेशन में कंट्राडिक्शन जो है वो केस को कमज़ोर कर देगी। यहाँ पर समझ ये आती है कि साजिद दूसरों को बचाने के लिए
क्योंकि देखें साजिद तो मुसल्ला पिस्टल ही नहीं है, काज ऑफ डेथ जो है वो फायर है और पिस्टल के साथ फायर किया गया, ना कि सोटे का। पिस्टल उसके भाई इजाज के पास था, उसके पास पिस्टल नहीं था। ये स्टेटमेंट वो है जो कि एफआईआर में दर्ज है, जो कि लिखवाई गई है मुदई पार्टी की तरफ से, मुदई पार्टी की तरफ से लिखवाई भी गई है। इसको किस तरह से चेक किया जाएगा, देखा जाएगा, एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि हम मौके की सूरत हाल देखते हैं। मौका बिल्कुल करीब का है, उनके घर भी करीब है, जाए वकुआ भी करीब है। डाटा निकाला जाए तो ऑब्वियसली कितना करेक्ट तो नहीं आ सकता कि वो बिल्कुल बाय फीट जो है उसकी एक्यूरेसी बयान कर सके। उसमें ऐसा है, उसमें फिंगरप्रिंट से पता चल सकेगा, उसमें जो पिस्टल उससे रिकवर होगा। देखिए उसको मुसल्ला सोटा दिखाया गया है, जब उसको गिरफ्तार किया गया होगा, जो सोटा उसे रिकवर होगा उस पर देख लिया जाएगा। अगर सोटे पर फिंगरप्रिंट साजिद के हैं तो इट्स मीन साजिद के पास सोटा था। नंबर दो, इसमें अहम बात कि जो डेड बॉडी को ग्रिप किया, उसने पकड़ा है, उसकी छाती पर से फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, डेड बॉडी से फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे कि उसको पकड़ने वाला कौन है। अगर उसको पकड़ने वाले फिंगरप्रिंट हैं इजाज के, तो फिर साजिद ठीक कह रहा है। अगर उसके फिंगरप्रिंट जो उसको पकड़ा, आखिर किसी ने उसे पकड़ा तो है ना, पकड़ने के बाद अगर वो बात ठीक है, उसकी बॉडी पर फिंगरप्रिंट, डेड बॉडी पर फिंगरप्रिंट साजिद के मिलते हैं, तो इट्स मीन के साजिद झूठ बोल रहा है। साजिद अपने अहम मुलजिम, जो मेन मुलजिम एक्यूज्ड है, उसको बचा रहा है। बाज़ुकात ऐसा होता है, अमूमन एक फैमिली के जब मुलजिमान होते हैं, उसमें तीन चार लोग होते हैं, एक जो देखते हैं ना ये सबसे निकम्मा है, उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको पुलिस के पास पेश कर दिया जाता है कि जनाब यही था। जो को भाग दौड़ कर सकता है, जिसके कोई ताल्लुकात होते हैं, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो पैरवी कर सकता है, उसको बचाने के लिए दूसरा मुलजिम अपने ऊपर ले रहा होता है। अब ये चीज़ें प्रूव होंगी फिंगरप्रिंट से होंगी या मौके से। फोरेंसिक की लैब इतनी जदीद है कि इस तरह से देखें, एक तो बॉडी के ऊपर से फिंगरप्रिंट उठाए जा सकते हैं, लेकिन वो बड़े शॉर्ट टाइम में ज़ाया भी, एक्सपायर भी हो जाते हैं। उस हवाले से क्या देखा जाएगा, और ख़ास तौर पर फिर देखें कपड़ों के ऊपर से लिफ्ट किए जा सकते हैं प्रिंट्स। हमारी फोरेंसिक में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है क्या? बिल्कुल लिए जा सकते हैं। देखें हमारी फोरेंसिक बाकायदा मोबाइल वैन्स हैं, जो हमारे पुलिस वालों को जो अब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी मुहैया की गई है, अगर वो उसको यूज़ करके इन्वेस्टिगेशन करें तो वो कंक्लूड किया जा सकता है, वो लिए जा सकते हैं। फिर मौके पर अगर पुलिस दयानतदारी से इन्वेस्टिगेशन करे तो कोई ना कोई, जो कोई कंजेस्टेड एरिया है, आप बता रहे हैं दाएं बाएं तमाम घर हैं, तो आई विटनेसेस से पता चल जाए। पाँव के निशानात भी पड़े हैं वहाँ पर। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हमने दिखाई है, हमने वो मौका भी देखा, कॉर्डन ऑफ किया हुआ था उस जगह को, और वहाँ पर अभी तक पाँव के निशानात मौजूद हैं, और वो एक बंदे के नहीं हैं जो वो कह रहा है, वो लग रहे हैं कि चार से पाँच लोग उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, अब उसमें ये भी देखा जाएगा, पाँव के निशानात भी हैं, फिर उसमें देखा जाएगा कि वहाँ पर जो डेड बॉडी है उसको देखा जाएगा कि देखें मिसाल के तौर पर डेड बॉडी मौजूद है, उसका एंगल सपोज ऐसे है, और पाँव के निशानात सपोज साजिद के उसी डेड बॉडी के करीब के हैं जहाँ पर वो गिरी हुई है, या आरिफ के या इजाज के दूर के हैं, तो इट्स मीन फायर उसने किया। उन जो पाँव के निशानात हैं उनसे भी इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सकती है, क्योंकि पकड़ने वाले दो चीज़ें हैं, पाँव के निशानात डेड बॉडी के, मकतूला के, और पाँव के निशानात साजिद के, अगर एक ही जगह के हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एफआईआर वो उसको पकड़ रहा है, इट्स मीन के दोनों के पाँव के निशानात एक जगह करीब करीब होंगे। पहले कोई वारदातें, कोई इस तरह की चीज़ें नज़र आई हैं? नहीं नहीं नहीं, इसकी पहले कोई वारदात नहीं है, ये बस इसने उसी तरह, क्योंकि जहालत है, इसके पेरेंट्स इसको बजाय रोकने के उन्होंने भी इसको एग्रीगेट किया है, इसके वालिद ने भी, वो भी इसमें शामिल है, उसने भी इसे कहा है कि भाई देखो जो तुम्हारी मंगेतर है वो किसी कहीं और ब्याही जा रही है, फिर जाके इसने ये स्टेप लिया। सही, यानी कि तुम्हारी मांग जो थी, मंगेतर जो थी, वो किसी और के साथ उसका निकाह हो गया। ये निकाह
अभी हुआ था कुछ दिन पहले ही, तो जो इसका खावंद है वो भी आया है इस हवाले से पुरसू करने के लिए, उसका क्या करेक्टर रहा है, किस तरह से किरदार रहा वो, है वो भी वो इस केस में विटनेस है। और ये कि दो आज से कोई तीन दिन पहले उसका निकाह हुआ था और इसने जो है मतलब कि उसको हस्ती व्यवस्थी लड़की को मार दी। तुम्हारी प्लानिंग में, तुम्हारे मंसूबे में कौन कौन तुम्हारे साथ शामिल था? जिससे तुमने असला लिया वो भी शामिल था? नहीं सर, फिर कोई भी नहीं शामिल। असला कब का लिया हुआ था, कब का था तुम्हारे पास पिस्टल? दो तीन दिन पहले। दो तीन दिन पहले लेकर आए हो, इसीलिए लेकर आए थे? नहीं वैसे मैं तो वैसे लेकर आया था, लेकिन वैसे क्या करना होता है असले के साथ, वैसे क्या करना होता है नाजायज़ असले के साथ, वैसे क्या करना होता है? यानी पहले की प्लानिंग थी, जिस दिन उसका निकाह हुआ था तुम्हारी उस दिन की भी प्लानिंग थी कि उस दिन भी उसे मार दो? तुम कहते हो तुम्हें उसके साथ बड़ी मोहब्बत थी, ऐसे ही है ना? बहुत मोहब्बत थी। हाँ जी है? और वैसे सर जी मतलब कि प्रॉपर्टी को ऐसा कोई मुझे कोई कनेक्शन नहीं था। अच्छा, प्रॉपर्टी का कोई कनेक्शन नहीं, तो वजह क्या थी, मोहब्बत थी तुम्हें उसके साथ? वैसे सर जी मतलब के बस गैरत आ गई कि मेरी मांग किसी और के साथ क्यों चली गई, मोहब्बत भी नहीं थी? मोहब्बत भी थी लेकिन गैरत भी थी। मोहब्बत भी थी गैरत भी थी, हाँ जी, इसलिए मार दिया तुमने? हाँ जी। ये ख्याल नहीं आया जिससे मोहब्बत तुम करते हो उसको, उसका हाल क्या कर रहे हो? तीन दिन पहले उसका निकाह हुआ है और फिर तुमने उसे कत्ल कर दिया, इसे मोहब्बत कहते हो तुम? चलिए निकाह का तो हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हें कैसे नहीं पता निकाह का? उससे पहले 8 साल कुछ नहीं हुआ उसे, और 3 दिन हुए निकाह को और तुमने उसे मार दिया, और तुम कह रहे हो तुम्हें पता ही नहीं था कि निकाह हुआ है कि नहीं हुआ, और 3 दिन पहले ही उसी दिन तुम असला लेकर आए हो, खुद तुम कह रहे हो कि 3 दिन पहले असला लिया था तुमने और 3 दिन पहले उसका निकाह था। पता है तुम्हारे साथ होगा क्या? पता है ना तुम्हें? घर वाले आए हैं तुम्हारे? नहीं सर। नहीं आया पीछे कोई? नहीं, तुम्हारे नहीं। आना भी नहीं चाहिए किसी को। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी मैं ये कहूँगा कि इसका ये पूरा प्लान था, क्योंकि मौके पे भी ये अपने भाई समेत वहाँ पे लड़की का पूरा वेट करते रहे कि अब ये गुजरेगी, अब इसको शूट करेंगे, तो ये सिर्फ इसके जहन का फतूर था। इसको गैरत भी नहीं कहेंगे, बल्कि मेरे ख्याल से तो ये गैरत से तो छू के भी नहीं गुजरा जो इसने हरकत की है। इसके घर के साथ उनका घर है और ये जानता था कि जो वालदा का अकेला सहारा है और उसकी जो लड़की आगे पीछे कोई नहीं, कोई नहीं है, उसकी एक ही औलाद से मारा भी जा सकता है, उसे कुछ भी कर दे तो ये कर सकता है। ये जहालत की जो है ना ये मिसाल है जो बंदा खड़ा है, सही जहालत की जी मिसाल है। और बाकी ये इस तरह के दावेदार भी हमें नजर आते हैं जो ये दावे कहते हैं और दावे करते नज़र आते हैं कि मोहब्बत है हमें उस शख्स के साथ, और उस शख्स का हाल क्या करते हैं जैसा इस शख्स ने किया है। उस लड़की का 3 दिन पहले निकाह हुआ था, इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ था, इसलिए इसने पूरा प्लान किया और उसे मर्डर कर दिया। अच्छा, हम इस वक्त उसी रास्ते पर हैं, ये वही जगह है जाए वकूआ है जहाँ पर वो लड़की राशिदा अपनी वालदा के साथ आ रही थी, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि खून भी मौजूद है, कदमों के निशान भी हैं, और हम देखते हैं हमें इसको ज़रा तलाश करना होगा कि कौन सी जगह है, क्योंकि यही बताया गया था मौके को पूरा, देखें ईंटें लगा के उस मौके को उस जगह को लैदर से प्रिजर्व किया है पुलिस ने, ये कदमों के निशानात हैं, और ये उसका घर था, अपने घर से बिल्कुल करीब थी, इसके सामने उसका घर था जहाँ पर उसको मर्डर किया गया, कत्ल किया गया, खून ही खून है हर तरफ फैला हुआ, हालांकि कच्ची ज़मीन है, जज्ब हो जाता है, लेकिन इतना खून बहा है कि अभी तक यहाँ पर खून मौजूद है, उसके धब्बे मौजूद हैं, उसके निशानात मौजूद हैं, कदमों के निशानात मौजूद हैं, किस तरह से वो तड़पती रही होगी, और उसको राशिदा को उसकी माँ के सामने गोलियाँ मारी हैं, और माँ इतनी बेबस थी, उसका कोई और बेटा नहीं था, कोई और औलाद नहीं थी, उसका कोई खावंद की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, किस बेबसी के आलम में उसने ये तमाम सीन को देखा होगा और किस तरह से उसको बर्दाश्त किया होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि चूँकि राशिदा बीबी जो है वो अपनी माँ की इकलौती है, ना भाई है ना बहन है उसकी, अब जाहिर है जब ये रात चलते हुए रास्ते पर और साथ उसका ये राशिदा बीबी का ये सामने वाला घर है,
अब घर के इतने करीब आके उनको फायर मारना और फिर यहीं रास्ते के अंदर ही उसका कत्ल कर देना, ये एक बहुत बड़ी दीदा दलेरी है। और दिन के वक्त में ये वही वक्त है कि जहाँ पे जब लोग, ये रास्ता जो है वो शारे आम है, यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, अपना यहाँ पे जो है वो चारा वगैरह लेके जाते हैं, लेकिन उस वक्त भी किसी भी बंदे ने इनके ऊपर जो है वो कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है वो ये बाकायदा तौर पर यही इनका रिकॉर्ड याफ्ता है या इस तरह के ये लोग हैं कि जिनको किसी किस्म का कोई डर नहीं है, ना कानून का है, ना इनको किसी और चीज़ का है कि हमारी कल को आने वाला जो वक्त होगा वो हमारे लिए कितना कठिन होगा। कोई फिक्र नहीं है, कोई डर नहीं। और जब हम भी यहाँ पे यहाँ आए तो हमारे साथ जो रवैया रखा गया वो भी आपके सामने कि को बात करना भी और कोई बताना भी जो है वो ये गवारा नहीं कर रहा। नाज़रीन, खौफो राज की फिजा है, उस बच्ची की सिर्फ एक माँ है, उसके अलावा उसका कोई और सहारा नहीं है। लेकिन अब वो माँ भी बेचारी कब तक लड़ेगी, जब इर्द गिर्द में देखें यहाँ पर वो जगह है जहाँ उसको मर्डर किया गया, उसे कत्ल किया गया, उस बच्ची को कत्ल किया गया, और दूसरी साइड पे उन सफाक लोगों का घर है जिन्होंने यहाँ पर उसकी बच्ची को कत्ल किया है। टाइम ड्यूरेशन में 7-8 साल में कोई ऐसी बात नहीं हुई कि रिश्ता बकायदा तौर पर मांगा जाए या कोई रस्म हो, कोई इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ था। उसकी जो माँ ने बताया, अगर एक दफ़ा भी ये रिश्ता मुंह से मांग लेता इसका बाप, तो हम दे देते। जैसे वकूए के बाद मुझे वो उसकी वालदा ने बयान दिया, तो वो कहती थी कि मुझे एक दफ़ा भी रिश्ता मांगते दे देते। असल वजह ये थी कि अब ये ज़मीन, उसका निकाह हो गया, उस 1 करोड़ की जायदाद अब वहाँ मुंतकिल हो जानी थी, इस जेलसी से वजह से इन्होंने ये कत्ल किया है और एक तरह का इंतहाई भयानक जुर्म किया है। अब उसकी वालदा के पास और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ एक बेटी थी, अकलौती बेटी थी, और वो भी इस शख्स ने ब्रूटली उसे कत्ल कर दिया। इसके साथ और 3-4 लोग और भी शामिल हैं, ये कन्फर्म है कि एक आदमी तो इसके बिल्कुल साथ था और कुछ इयानत जुर्म में भी ज़रूर शामिल है। सब को अपने अपने इंजाम को पहुँचना है, इस मुकदमे में सब ने चलान होना है, जिन्होंने भी इस वकूए में किया है। इस बच्ची को हम लावारिस नहीं समझते, हम इसके लिए अपनी मुकम्मल एफर्ट करेंगे, ये हमारी अपनी बेटी है। इन्वॉल्व है तो 10 का नाम लिखवा देते हैं, लेकिन उसका नुकसान ही होता है, नुकसान होता है। लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता, लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होती, ये हमें अवेयरनेस देनी चाहिए। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि मौके पर किसी के कहने से हम लिखवा देते हैं, लेकिन उससे मेन एक्यूज्ड भी बच जाता है, वो कातिल भी कल को सजाए मौत नहीं हो पाता। मुल्ज़िम एक होता है, कन्फ्यूजन आ जाती है, जहाँ पर कंट्राडिक्शन आ जाती है वहाँ पर प्रोसिक्यूशन को केस प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर देखें, देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि दो बंदे बिल्कुल साइलेंट हैं, वकास और वो नामालूम शख्स। FIR की कहानी से लग रहा है कि ये मैक्सिमम 2 एक्यूज होंगे, एक ने पकड़ा होगा, एक ने मार दिया होगा। 2 का नाम सिर्फ इन्वॉल्व किया गया है उसको हिमियस करने के लिए, उन पर अपना रखने तमाम के लिए, तमाम का तमाम घर वाले जो है हिरासत हो जाएं और उन पे प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। ये सूरत हाल देखते हैं हम इस तरह के, जितने भी केसेज हों तो उसमें ये सूरत हाल नज़र आती है कि जब जिसके ऊपर जुल्म हुआ होता, हालांकि इतना बड़ा केस, इतनी बड़ी कार, लेकिन उसके बाद जो है जब वो बयान अपना कलम बंद करवाते हैं, FIR लिखवाई जाती है, तो उसमें अगर एक एक्यूज होता है, एक मुल्ज़िम होता है, तो 3-4 लोगों का नाम ऐड कर लिया जाता है, जिसका एट द एंड ऑफ डे उन्हीं को नुकसान होता है, क्योंकि उसका फ़ायदा हमेशा एक्यूज को होता है, उसी को होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। थैंक यू लॉट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच।